मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, अनकरीब दिवालिया होने के नजदीक है। IMF भाग जाएगी, सारे भाग जाएंगे और वो कहेंगे जी डिफॉल्ट हो गया, और इंडिया खुश होगा, वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने। इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन DC, इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब ही दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मॉडल टू स्टडी इन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए इंग्लैंड में आपको खबर मिलती है कि जी पाकिस्तानी निजात, भारतीय निजात यहां पहुंचे थे, इतने साल पहले पहुंचे, अमेरिका से आपको अमेरिकन ड्रीम वाली बात, इतने साल पहले पहुंचे थे, मेहनत की, आगे गए। मतलब मुहज़्ज़ब मुल्कों में नीचे से लोग ऊपर उठ के आ जाते हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब ने टुक अ वेरी ब्रेव। अब अमरीकी जो रेटिंग एजेंसी फिच उसने एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सियासी खतरात समेत जो ज़र मुबादला है उसके जखायर में कमी की वजह से पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। डॉलर मईशत को तिगनी का नाच नचाने लगा पाकिस्तान। ये छोटा सा क्लिप आपने देखा, यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को एक नई दिशा दी है, और इवन पाकिस्तानी भी बात कर रहे हैं इस बारे में, साजिद तरार बात कर रहे हैं, आप देखेंगे आगे वीडियो में। और किस तरीके से अरब देश पाकिस्तान जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिस्पेक्ट करते हैं और किस तरीके से सम्मान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान एक नशे में है कि इस्लाम करके वो अरब देश या मुस्लिम देशों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो उससे दोनों देशों को क्या फ़ायदा होता है ये मैटर करता है, ना कि ये इस तरीके की फालतू की चीज़ें मैटर करती है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। सिटिंग इन वॉशिंगटन DC, इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब ही दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मॉडल टू स्टडी इन द सब कॉन्टिनेंट। मैं इसमें कोई इसमें मुबालगा रही नहीं, लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम। और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370, भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पर डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब हैं तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाई? मैं समझता हूँ रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूँ मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the Nawaz Sharif time. Pakistan missed the opportunity. और उसमें मैं इसपे डायलॉग इसपे बहस कर सकता हूँ क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उससे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम था, डिसीजन किसी ने और ने लेने होते हैं, फॉरन पॉलिसी किसी और के हाथ में होती है। यही तो एक इशू है। मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में किसी में कहा, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अदारे अपने कंट्रोल में नहीं है, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़ के दूसरी चीजों को पोक करते हैं। अदलिया में भी सियासत है, फौज में भी सियासत, हर जगह में सियासत है। यही एक पाकिस्तान का एक नाइटमेयर है। जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली एन अमेरिकन ग्रुप है, और पाकिस्तान जो है वो किसी ग्रुप में भी नहीं है इस वक्त। उन्होंने चाइना के ग्रुप में जाने की कोशिश की, उनको 26 करोड़ $26 बिलियन अभी तक चाइनीज को भूलते नहीं है, अपनी बातों पे खड़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन है, नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, और कई चीजें हैं इसके अंदर तो, लेकिन ये कि ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस और ट्रेड इज अ बिगिनिंग, और ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं, ये बड़ी खुशायंद बात थी कि एक आर्मी चीफ ने ये कहा है, जो हुज अ रियल प्लेयर होता है हमारे पाकिस्तान में, उसने कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर की तरफ ग्रो करें। उन्होंने इकॉनमी की भी बात की थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्पीच सुनी थी। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खुशायंद बात है अगर आने वाले आर्मी चीफ या आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस चीज का ख्याल रखते हैं।
लेकिन अगर उसको फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की गई, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली बोथ पार्टीज हैव देयर स्टेक्स ऑन कश्मीर। तो ये कश्मीर का मसला जो है सबसे बड़ी रुकावट है इस पीसफुल अचीवमेंट में, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की जरूरत है, मैं समझता हूँ, टू हैव अ रिलेशनशिप विद, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंडिया। मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड यू नो ही टेक्स द नेशन बाय शॉक, बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट यू नो दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में, somehow you know you can see this feeling in India। आप इसको miracle बोले, इसको आप जालसाजी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, but the fact is that he is extremely popular and in India there is civil supremacy। आप कह सकते हैं वो you know मजहबी leader है जो भी हैं, but I will judge him by what he speaks on the international stage। He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attack Islam as a religion। आप हिंदुत्व बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्व is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit। It is not the way it is projected। तो अगर अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे, तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो है बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है, इट्स बीन कन्फाइंड टू पाकिस्तान नाउ एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग इट, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट। अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता? आप बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात बोलेगा और फिर वो जब ये बात तो ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से साजिद तरार बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और सोनम महाजन, आप जानते होंगे सोनम महाजन एक कश्मीरी हैं, तो ये ऑब्वियसली और इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे से मतलब ये बातें करती हैं। आपने इनको काफ़ी टीवी डिबेट्स में देखा होगा। तो किस तरीके से अब साजिद तरार, तो आप जानते हैं अमेरिकन पाकिस्तानी है, लेकिन इनका भी नॉलेज काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने कई बार बोला है, इकलौते उन मतलब लीडर ग्रुप में से हैं। आपको पता होगा एक ग्रुप था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, आपको याद होगा उस टाइम पे ट्रंप, बॉर्डन, जो आवे, जो अभी जापान के प्रधानमंत्री थे, अभी कुछ ही दिन पहले उनके साथ एक हादसा हुआ, उस ग्रुप के इकलौते हैं और बाकी सब चले गए। तो आप समझ सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो मतलब नैरेटिव है वो इंडिया के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। भले ही आपको पता होगा इलेक्शन आते हैं जाते हैं और बहुत सारे ये जगह ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लोग हैं और जो भी वो कर रहे हैं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। इंडिया को एक मतलब डेफिनेटली एक सुस्त रफ्तार से जो कंट्री चल रही थी, थोड़ा सा उसमें कुछ सुस्ती से निकल के थोड़ा सा तेज़ी आई है। ऑब्वियसली जो कदम आज उठाए जा रहे हैं हमें बहुत साल पहले उठाने चाहिए थे, मुझे लगता है 1990-80 के करीब उठ जाते ऐसे कदम, बहुत सारे ऐसे कदम, तो शायद हम आज और कहीं होते। तो देखा आपने सोनम महाजन डिफेंड कर रही हैं किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आपको पता होगा अगर आप उनका ट्विटर देखें, हिंदुत्व ये वो आरएसएस फलाना ठिकाना, अगर आप उनके कुछ पुराने ट्वीट देखें भारत को लेकर, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, यही बात की उन्होंने। तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि ऐसा इतना नैरेटिव तुमने भारत का बनाया है दुनिया के खिलाफ, तो अरब देश क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना सम्मान देते हैं? आपने देखा होगा अभी यूएई गए थे, कितना सम्मान दिया था। तो आप समझ सकते हो, अब आप मोहम्मद बिन सलमान ने क्लियर बोल दिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में से जो भी मुसलमान आएगा, सऊदी अरब, उनके ऊपर खासी नज़र रखी जाएगी कि भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात MBS कह रहे हैं। तो ये वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो